नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक और मैं हूं संतोष कुमार पांडे। आज की बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मतलब राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होना है 5 अगस्त को। 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, अमित शाह हैं और बड़ी संख्या में वहां पर लोगों को बुलाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल एक यही आ रहा है सामने कि पंचक लगा हुआ है 4 अगस्त से रात में और 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा। कई सारे सवाल हैं, यही सवाल है लोगों के मन में कि आखिर जब पंचक लग जाता है तो उसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो आइए आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं इस स्टोरी पर कई सारे विद्वानों का क्या मत है और उन्होंने क्या कहा है इसको लेकर के, क्योंकि आज यह पोल टॉक की सबसे एक्सक्लूसिव सबसे बड़ी खबर है जो केवल पोल टॉक के पास है और जिस पर हमने काम किया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन क्या कह रहे हैं जो इस मुद्दे को लेकर के, जिनका कहना है कि यह पूरी तरह से गलत है। जरा सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णन क्या कह रहे हैं। जी, कि हमारे शास्त्रों के द्वारा जो जो नियम कर्म कांड के विषय में उल्लेखित किए गए हैं जी, उनके आधार पर जी कोई भी शुभ कार्य विष्णु शयन काल में नहीं किया जा सकता है जी। ये जो चातुर्मास का समय है जी सर, ये भगवान श्री हरि विष्णु का शयन काल कहा जाता है जी। और ये देवोत्थान एकादशी जो दीपावली के बाद आती है जी, तब तक रहता है जी। इन 4 महीनों में मतलब हर शयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी के बीच नहीं चल रहा, ये 4 महीना है। अच्छा सर जी, सर तो इसको चातुर्मास बोला जाता है जी। सर इस चातुर्मास में संत महात्मा महापुरुष सन्यासी भी कहीं आवागमन नहीं करते हैं जी सर, एक ही स्थान पे रहकर अपना साधना करते हैं, सुमिरन करते हैं जी। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री राम को भगवान श्री विष्णु का 7वां अवतार माना गया है। अच्छा, हिंदू मैथोलॉजी और शास्त्रों के अनुसार जी भगवान के 10 अवतार का उल्लेख है जी, 10 अवतार जी, जिसमें भगवान राम 7वें अवतार जी, भगवान कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार जी, भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार जी, और भगवान कल्कि जो अभी हुए नहीं है अवतार उनका, उनको 10वां अवतार माना गया है। अच्छा, अब प्रश्न ये पैदा होता है जी कि भगवान विष्णु के अवतार के मंदिर की जो पूजा होगी जी, वो भगवान विष्णु के शयन काल में कैसे संभव है। यस यस यस, तो भगवान किसी भी पूजा में जी, किसी भी पूजा में देवताओं का आवाहन किया जाता है जी। देवताओं का आवाहन कैसे होगा जब देव शयन सो रहे होंगे जी जी। तो शास्त्र के आधार पर जी ये कतई अनुचित है जी। लेकिन क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं जी और उन्होंने तिथि निश्चित कर दी है जी, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। आचार्य प्रमोद कृष्णन के बाद ऐसे कई विद्वान हैं जिनसे हमने बातचीत किया है, लेकिन एक राजनेता जो पहले सांसद भी रह चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के बड़े लीडर रहे हैं, उनका नाम आप जानते हैं राम विलास वेदांती, उनका क्या कहना है जरा उनसे सुनिए। पोल टॉक के एडिटर संतोष पांडे ने बातचीत की है। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जी सर, जो तिथि 5 अगस्त को मिल रही है जी सर, वो तिथि अनुकूल है। अच्छा, जो है भूमि पूजन के दृष्टिकोण से। अच्छा, भूमि पूजन जो हो रहा है, भूमि पूजन के दृष्टिकोण से वो तिथि अनुकूल है जी, इसलिए उस तिथि पर रखा गया है। हमारे अयोध्या के विद्वानों ने विचार करके तिथि निश्चित की है और फिर प्रधानमंत्री इतने योग्य हैं कि उनके पास भी बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, कि एक प्रकांड विद्वान है जी, उन्होंने भी दिखाया है, इसलिए ये तिथि अनुकूल दिखाई दी, इसलिए ऐसा किया गया है।
जी जी मतलब सर इसका पंचक पंचक वाला कोई लेना देना नहीं है ऐसा? हाँ नहीं देखिए मैं बताऊं, ये सब पत्रा भिन्न भिन्न है जी, पत्रा कुछ बताता है, कोई पत्रा कुछ बताता है, कोई पत्रा कुछ बताता है। हाँ लेकिन ऋषिकेश पंचांग के अनुसार ये 5 अगस्त को 12:15 पर जो तिथि निश्चित की गई है जी, वो तिथि भूमि पूजन के लिए अनुकूल है। अच्छा ये अनुकूल है, कोई इसमें वो नहीं है। व्यक्ति के नाम पर सुनिए, ऐसा है ना जी सर, हर व्यक्ति के नाम पर कब किस क्षण जी कैसा मुहूर्त आता है जी, इसके अनुसार नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यदि भूमि पूजन करते हैं तो वह समय वह दिन वह घड़ी अनुकूल है। अच्छा, और लेकिन यदि दूसरा कोई करेगा तो उसमें वो अनुकूलता नहीं पाई जाएगी। नकार शब्द से, अच्छा नरेंद्र मोदी में नकार शब्द है जी, तो नरेंद्र मोदी के नकार शब्द से जी वह तिथि अनुकूल बताई गई है। अच्छा, एक तरफ आपने पूर्व सांसद रामविलास वेदांती को सुना, दूसरी तरफ आपने आचार्य प्रमोद कृष्णन को सुना, अब अयोध्या के कुछ लोगों का कहना है उनको भी आप सुनिए। लेकिन विद्या भास्कर जी हैं जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एक्टिंग करने आ रहे हैं, इसका असली में शिलान्यास भूमि पूजन सब हो चुका है। ये कहानी आपको सुन करके अजीब सा लग रहा होगा कि जिस देश में परंपरा रही है, जिस देश में सिस्टम रहा है कि पंचक में कोई कार्य शुभ नहीं होता है, ऐसे में 5 अगस्त के दिन यह क्यों किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम इसको छोड़ जा रहे हैं। लगातार आप देखते रहिए पोल टॉक का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।